बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। इसके बाद उन्हें तत्काल पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये संयोग था कि मांझी फिलहाल पटना में थे, इसलिए उन्हें तत्काल बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा सकी। पूर्व सीएम अपना अच्छा खासा वक्त गया में और अपने गाँव पर गुजार रहे हैं। बताया जा रहा है कि उदयमी मेदांता अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री की हालत में सुधार है। उन्हें बताया कि अब अधिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अचानक से क्यों बिगड़ी जीतन राम मांझी की तबीयत, तो बता दें कि जीतन राम मांझी को MRI की जाँच में हल्के ब्रेन स्ट्रोन की आशंका जाहिर की गई है। हालांकि उनकी स्थिति चिंताजनक नहीं है, अभी वे पूरी तरह होश में हैं। दूसरी तरफ अपनी पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने हल्के ब्रेन स्ट्रोन की बात को सिरे से नकारा है। उन्होंने कहा कि मांझी का शुगर लेवल कम हो गया है, इसी वजह से वो असामान्य महसूस कर रहे हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मांझी होश में रहकर सभी आने जाने वालों से बातचीत कर रहे हैं, हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने को कहा है। दानिश रिजवान ने कहा कि मांझी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मांझी एक दिन पहले भी मेदांता अस्पताल गए थे और शुगर चेक कराया था। रविवार को फुल बॉडी चेकअप के लिए फिर से मेदांता अस्पताल गए थे। उन्होंने कहा कि मांझी रूटीन चेकअप कराने के लिए अस्पताल गए हैं। वे पहले भी ये नियमित अंतराल पर अपनी जाँच कराते रहे, कई बार उन्हें दिल्ली जाकर भी। हालांकि विश्वस्त सूत्रों की माने तो जीतन राम मांझी आज शाम तक डिस्चार्ज हो सकते हैं। वह चेहरे पर लकवा का हल्का असर होने की शिकायत लेकर कल देर शाम अस्पताल में भर्ती हुए थे। उन्हें तत्काल ICU में भर्ती कर जांच और इलाज शुरू कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट सामान्य होने के कारण आज शाम तक डिस्चार्ज करने की बात कही गई है। तो पूर्व CM व हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की स्थिति फिलहाल सही है। उन्हें ब्रेन स्ट्रोन की आशंका थी, जिस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि जीतन राम मांझी के पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने इस बात को नकारा है। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जीतन राम मांझी वो अपने चेकअप के लिए हमेशा अस्पताल जाते आते रहे हैं, वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो अभी चिंता करने की कोई बात नहीं है। बहरहाल इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ बयान, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद सभी दर्शकों।